एक देवेंद्र बम्बिया जो गैंग है, बम्बिया गैंग कहते हैं, उस ग्रुप के नाल जुड़े हुए हैं। तीन दोषी नू शूटर नू असी गिरफ्तार किए हैं। हनी उर्फ कैकड़ा और हेमंत कुमार अते हीरा लाल, ये सारे नौजवान हैं, शूटर हैं। इन्हों तो तीन वेपन असी बरामद किए हैं। हाई एंड वेपन्स हैं और एक दो वेपन विदेशी का लगता है। ये गल सामने आई है, इन्होंने बठिंडा का जो बठिंडे के आस पास के जिले किसी जिला के किसी बंदे को टारगेट करना सी। सुपर गैंग में गैंगस्टर से असं पड़े हैं, उस तो असं बड़ी वारदात जो होने वाले हैं, असं रुक रुक के सूबे च गैंगस्टरां नूं दबोचन का सिलसिला लगातार जारी है। इस लड़ी के तहत हुण बठिंडा पुलिस नूं वड्डी कामयाबी हासिल हुई है। पुलिस ने बंबिहा ग्रुप के तीन शूटरां नूं काबू किया। जानकारी देंदिया बठिंडा के SSP ने दस्या कि शूटर बठिंडा के नाल लगते इलाकों च वारदात नूं अंजाम देने की फिराक च सन। जानकारी देंदिया बठिंडा के SSP ने दस्या कि शूटर बठिंडा अते नाल लगते इलाकों च वारदात नूं अंजाम देने की फिराक च सन। काबू किए गए शूटरों तो हथियार भी बरामद किए गए ने। प्रेस कॉन्फ्रेंस जरा फस्ट अपने है, एक देवेंद्र बम्बिया जो गैंग है, बम्बिया गैंग कहते हैं, उस ग्रुप के नाल जुड़े हुए हैं। तीन दोषी नू शूटर नू असी गिरफ्तार किए हैं। उन्होंने नाम हनी उर्फ कैकड़ा और हेमंत कुमार अते हीरा लाल, ये सारे नौजवान हैं, शूटर हैं। इन्हों तो तीन वेपन असी बरामद किए हैं, सारे हाई वैल्यू हाई एंड वेपन्स हैं और एक दो वेपन विदेशी का लगता है। इस वेपन जड़े हूँ तक तफ्तीश में ये गल सामने आई है, इन्होंने बठिंडा का जो बठिंडे के आस पास के जिले किसी जिला के किसी बंदे को टारगेट करना सी। कुछ साढ़े सानू लीड्स मिल गए ने एंड उसी लीड्स को लेकर असी आगे फरदर इन्वेस्टिगेशन चालू कर लिए हैं और दोषी नूं रिमांड से लेके असी फिर फरदर वर्कआउट करांगे, पूछताछ करांगे। सो इस गैंग नूं खास करके जो शूटर गैंग नूं गैंगस्टर से असी फड़े हैं, उस तो असी बड़ी वारदात जो होने वाले हैं असी रुक दिते और डेफिनेटली असी इहदे पूरी डिटेल वर्कआउट करांगे। इहदे बैकग्राउंड की है, क्यों किसी बंदे नूं टारगेट करना है, कारण क्या है, असी वर्कआउट कर रहे हैं। बठिंडा और आसपास के एरिया है, इसमें मोगा भी फिगर आउट हो रहा है और लगभग सानू थोड़ा से आइडियाज मिल गए ने किस तरफ का ये क्या इंसिडेंट मतलब होने वाले हैं। डेफिनेटली असी उस वारदात में तो रुक दिता, बट सानू जड़े टारगेट है उन्होंने वर्कआउट कर रहे हैं, उधर बारे कुछ खुलासा हो गए हैं सानू, वो की है किस तरफ का है, ये बैकग्राउंड की है किस तरफ का, क्यों उसको सेलेक्ट किया है, दैट इज मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। टारगेट सर कौन दे रहे हैं? ये तो ऊपर वाले जो इनके टास्क दे रहे हैं, इनके गैंगस्टर के जो पीछे से ये चैनल चल रहा है गैंग, जो बम्बिया गैंग ने इसको क्यों सेलेक्ट किया है और शूटर्स को क्या टास्क देना है, क्या है अभी फिलहाल सानू थोड़ा सा इन्वेस्टिगेशन में कुछ चीजें सामने आ गए हैं, बट उसका कारण क्या है, पर्सनल एनिमिटी है या राइवलरी है या कोई एनी अदर रीजंस है, तो ऐसी वर्कआउट कर रहे हैं। मेन दोषी है ये सारे, जो कैकड़ा है, हेमंत है, ये सारे अपने लोकल का है, कैता बस्ती का एरिया का है, ये लोकल का है। यस, कैकड़ा पहले बचे हुए सी और सानू उम्मीद है ये पिछले महीना शायद जागरण के एक टारगेट किलिंग हुए सी, उस वारदात में कैकड़ा और जो इनके साथ एक डेनिस जो शायद अपने GRP थाना के गोली चली थी उस केस में ये लोग वांटेड ने, उधर भी लिंक उत्ते शायद चल रही है और जड़ा वेपन असी बरामद किया था वो मे बी जगराउंड केस ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਗਾ। ਸਾਡੇ ਟੀਮ ਨੂੰ ਜਗਰਾਉਂਡ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਵਰਕਆਊਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਲਗਾਤਾਰ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦਬੋਚ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਈ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕਈ ਸ਼ੂਟਰ ਅਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਮਾਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ।
निडर हां निरपक्ष रहांगे आजाद हां सच कहांगे गल करांगे सियासी हवा दी होणगे हुकमरानां नूं सिद्धे सवाल सब तो पहला पहुंचावांगे तुहाडे तक सिर्फ सच्ची खबर दसांगे कौन कर रहा है थोड़े ते सबर विदेशां च बैठे पंजाबियां दे हक दी करांगे गल कैनेडा दी हर सियासी खबर लेके आवांगे तुहाडे वल उभरांगे पंजाब दी आवाज बनके होणगे हर पहलू ते रोज चर्चे खोलांगे अंदरूनी राज बणांगे बुलंद आवाज खेड सिक्ख्या सेहत खेती दी बात पावांगे हर पिंड हर शहर जावांगे मनोरंजन नाल जुड़े कलाकारां नाल करवावांगे मुलाकात संघर्षां वाली जिंदगी ते मारांगे चाल की ने साडे कानून फर्ज ते अधिकार की करदी है साडी सरकार की है तुहाडी मुश्किल दा हल D5 चैनल पंजाबी दी कचहरी च होवेगी सिर्फ लोकां दी गल धर्म धरोहर सेहत और संस्कृति की होगी बात अब D5 चैनल हिंदी भी होगा सर D5 चैनल पंजाबी अपनी धरती अपने लोग सत श्री अकाल जी मैं हाँ कुलराज रंधावा ते तुसी वेख रहे हो D5 चैनल पंजाबी जिहड़ा लॉन्च हो चुका है हुण कैनेडा विच D5 चैनल पंजाबी हुणे सब्सक्राइब करो बैल आइकन ते क्लिक करो